नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर एंड कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस के पहले सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि हम एप्टीट्यूड गेट एप्टीट्यूड का वीडियो थोड़ा सा लेट से अपलोड हो रहा है, बट इस प्रॉमिस के साथ इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ कि इसके बाद गेट एप्टीट्यूड का वीडियो काफी फ्रिक्वेंटली अपलोड होगा, जिससे आपको गेट 2018 के एप्टीट्यूड में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन, कंसेप्ट यू शुड नॉट मिस 01। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आप लोग गेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे तो शायद थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रहे होंगे, तो छोटा सा स्ट्रेस बस्टर आपके लिए। स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस, इट्स अ रेस्पॉन्स टू व्हाट हैपेंस, एंड रेस्पॉन्स इज समथिंग वी कैन चूज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है चूज। लाइफ में हम कभी भी अपने कंसिक्वेंसेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने एक्शन को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट गेट, टेक वन डे एट अ टाइम और उसके लिए एक्शन प्लान बनाइए और ईमानदारी से मेहनत कीजिए, स्ट्रेस अपने आप हट जाएगा। फाइन, चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गेट 2006 जिसको जिस पेपर को आईएएससी बैंगलोर ने सेट किया था, जो डब्ल्यू और सीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था, ये हमारा पहला प्रश्न आज का। इन अ 2x4 रेक्टेंगल ग्रिड शोन बिलो, ईच सेल इज अ रेक्टेंगल, हमारे रेक्टेंगल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द ग्रिड। मैं आपको एक बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपको इस तरह के सवाल कुछ सेकंड्स से बनाने में बहुत हेल्प हो जाएगी। देखिएगा, सबसे पहला कंसेप्ट, कभी भी आपको इस तरह के फिगर्स में रेक्टेंगल काउंट करने के लिए पूछा जाए तो आपको सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं, एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल C2 इनटू वर्टिकल C2। हॉरिजॉन्टल C2 इनटू वर्टिकल C2 को इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न दिया गया है। तो हॉरिजॉन्टल मेरे कहने का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल जब मैं कह रहा हूं तो ये 1, 2 और ये 3, इन तीन लाइंस को मैं हॉरिजॉन्टल कह रहा हूं। तो इन तीन लाइनों में से कोई भी दो लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह से जब मैं दो लाइन सेलेक्ट करूंगा तो रेक्टेंगल तो बना नहीं। बिल्कुल सही बात है, हमको वर्टिकल लाइंस भी चाहिए। तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4 और ये रही 5, तो ये हो गया 5C2। तो 5 में से कोई भी दो लाइंस, लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल लाइंस भी चाहिए एंड वर्टिकल लाइंस भी चाहिए। जब कभी भी एंड वाला फीलिंग आए तो यहां पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, और कभी और वाली चीज आए तो कर देंगे प्लस। हम फ्यूचर में इस तरह के और सवाल लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी और या वाली चीज आए तो प्लस, और जहां पर एंड वाली चीज आए जब आपके पास कोई चॉइस ना हो तो फिर मल्टीप्लीकेशन। सो 3C2 का अर्थ होता है 3, 5C2 का अर्थ होता है 10, सो हमारे हिसाब से आंसर आया 30। जरा हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चलिए एक बार अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये रहा ऑप्शन था 21, 27, 36 एंड ये रहा हमारा आंसर 30। सो विद इन फ्यू सेकंड्स हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। मैं आपको इसी कंसेप्ट को और एग्जीक्यूट करने के लिए चैलेंज क्वेश्चन देता हूं। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा यहां पे कि आपके सामने, और मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको यहां पे कितने दिख रहे हैं। ना सिर्फ ये, एक चार्ट भी मैंने आपको दिया हुआ है, इन दोनों का आंसर लिखिएगा, कोई एक आंसर मत लिखिएगा। चेसबोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको कितने दिख रहे हैं। इस चेसबोर्ड में सिर्फ गेट के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स जो भी आप बहाते हैं, चेसबोर्ड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स वगैरह कैसे निकालते हैं ये अपने पिछले वीडियो में दे रखा था, तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के ठीक नीचे दे दूंगा, तो अगर आप चाहें तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो इन दोनों चैलेंज क्वेश्चन का जवाब जरूर दें कॉमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ हमारा पहला कंसेप्ट फिनिश होता है और अगले कंसेप्ट हम फिर मिलेंगे, इसके पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं। आई एम गोना मेक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन बेस्ट ऑफ लाइफ स्टार्ट होता है अभी, तो यहां से जबरदस्त मेहनत कीजिए। द मोर यू स्वेट द मोर यू शाइन, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का कंसेप्ट फिनिश करता हूं। मैं सौरभ ठाकुर आपको प्रॉमिस करते हुए कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कंसेप्ट में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। अंटिल देन, इट्स बाय बाय फ्रॉम माई साइड।